कुछ दिन पहले तक जो अजूबा विज्ञान की कल्पना में दिख रहा था, वो आज देश के पॉलिटिकल सिनारियों में एक खतरनाक हथियार बना नजर आ रहा है। इंडिया टुडे ने डिजिटल मैनिपुलेटर्स के खुफिया ऑपरेशन का खुलासा किया है, जो 2024 के आम चुनावों से पहले डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जनमत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत नोएडा के रोहित पाल के साथ हुई, जो डिजिटल पब्लिसिटी नाम का आउटलेट चलाते हैं। उन्होंने अपनी गतिविधियों का ब्यौरा दिया, जिसमें उनका काम है 2024 आम चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की पहचान करना और रणनीतिक तरीके से उनके चुनाव अभियान को तैयार करना। उनका मुख्य फोकस डीप फेक वीडियोस बनाना है, ताकि विपक्षी के उम्मीदवारों को बदनाम किया जा सके। हम ऑनलाइन उनकी इमेजेस क्रिएट करेंगे, अच्छी इमेज बनाएंगे, एनिमेशंस वीडियोस बनाएंगे, जो कि अदर पार्टीज होंगी उनके उनके लाइक जो कैंडिडेट्स हैं उनको दिखा के, उनकी जो गलतियां हैं उनको थोड़ा सा फूलिश दिखा के, बेसिकली क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर आप कैंडिडेट को ही थोड़ा सा फूलिश दिखा दे, ये जो और आजकल वो जो चल गया AI जनरेटेड जो वीडियो जो रहा है, वो सर वो कंप्लीट है इसी चीज़ में, डिजिटल में ही है। मैंने बताया ना, वो एनिमेटेड वीडियोज, AI वीडियोज, लाइक इस फेस हम जनरेट करके हम जो रिटर्न देंगे, कॉन्टेंट देंगे, वो स्पेल होगा, वो वीडियो फेस जनरेट करके, मतलब फेस टू फेस, लाइक जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेस लगा दिया लीडर का, या किसी और का फेस लगा दिया, फिर जो हम कमांड देंगे रिटर्न में, फिर वो वहाँ से प्रोनाउंस होगा। अच्छा, तो ये रियल लगता है या फिर लगता है? सर रियल लगता है। टाइम ज़्यादा लगता है या नहीं लगता? कम लगता है टाइम। अच्छा, हाँ टाइम कम लगता है, क्योंकि ये AI सारा काम कर रहा है, हमको सिर्फ कमांड देना है। अच्छा, हाँ हमको सिर्फ कमांड देना, वो सारी चीज़ें वो करता है, वो पेड टूल्स होते हैं, फिर वो पूरा वर्क कर देता है अपना। अच्छा, वो पेड टूल्स होते हैं, तो कितना मिनट लगता है एक मिनट की वीडियो बनाने में? सर हार्डली 20-25 मिनट्स। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रही है अभी? उन्होंने विरोधियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से डीप फेक के अंतरंग वीडियो बनाने की भी पेशकश की। रोहित पाल ने समझाया कि सबसे पहले हम इन वीडियो को सोशल मीडिया पर यूटिलाइज करेंगे, रणनीतिक रूप से डीप फेक्स जारी करेंगे, समय समय पर कॉल रिकॉर्डिंग्स रिलीज करेंगे, और इन कंटेंट्स के ओरिजिन का पता न चले इसके लिए उन्होंने अपना IP एड्रेस बदलने की बात कही, ताकि लोगों को ये लगे कि ये काम अमेरिका से किया जा रहा है। इन सारी कारगुजारियों के लिए कैश की चर्चा करते हुए रोहित पाल ने हर कैंडिडेट के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की। उन्होंने कहा कि पेमेंट के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नकदी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डीप फेक की भयावह क्षमता तब और साफ हुई जब उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग में हेरफेर करने की बात कही। उन्होंने कहा, हम आपकी आवाज को लेकर कमांड जारी करेंगे और उसका इस्तेमाल करके आपकी आवाज में कुछ भी बना सकते हैं। ये चुनाव के दौरान लीक हुई वॉइस कॉल के जैसा है। अगर ये रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है तो हम इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, पाल ने अपनी क्षमताओं की गहराई के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि डीप फेक खासकर वीडियो के लिए यूज किया जाता है। इसमें तस्वीर आपकी और वीडियो किसी और का होता है। किसी के डांस के वीडियो पर आपकी तस्वीर को इम्पोज करके 5 से 10 मिनट में आपका चेहरा उनकी जगह ले लेगा। अगले वीडियो में देखिए किस तरह फैला है डीप फेक का जाल।